हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर की जो बुक कोर डेटा है, उस कोर डेटा के अंदर पेट्रामाइजोन। तो अपने पेट्रामाइजोन, इसको अपने सामान्य भाषा में लैम्प्री भी कहा जाता है या लैम्प्रे भी अपने इसको कहते हैं, पेट्रामाइजोन जो होती है। तो पेट्रामाइजोन के बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पेट्रामाइजोन क्या होती है, किस प्रकार से ये दिखती है, किस प्रकार से इसका बिहेव होता है, किस प्रकार से इसकी हैबिट और हैबिटेट होती है, और किस प्रकार से इसके अंदर जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये सभी जो इसके अंदर चीजें हैं उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो आपने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पेट्रामाइजोन। तो पेट्रामाइजोन जो होती है, अगर आप देखोगे बाहर से तो ये क्या है, एक फिश की जैसी या फिश के रूप में ही होती है। और इसके अंदर सबसे बेस्ट फीचर क्या होता है कि इसका साइक्लोस्टोमेटा कैटेगरी के अंदर ही आती है, यानी किसका माउथ पार्ट जो होता है वो राउंड शेप के अंदर होता है, तो आगे से गोलाकार मुख होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके गिल प्रेजेंट रहते हैं या गिल अपर्चर जिनको कहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। एक मॉडल डायग्राम की अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से क्या, एक जो पेट्रामाइजोन होती है वो पेट्रामाइजोन आपको दिखाई देती है। और मोस्टली ये जो पेट्रामाइजोन होती है, ये जो दूसरी बड़ी फिश होती है उनके ऊपर अपने कह सकते हैं कि एक पैरासाइट रूप में प्रेजेंट रहती है। और ये मेराइन वाटर टू फ्रेश वाटर क्या करती है, माइग्रेशन करने का काम करती है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उन फैक्ट के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपने पेट्रामाइजोन के बारे में। देखो सबसे पहले है इसकी सिस्टमिक पोजीशन जो होती है वो किस प्रकार से होती है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका फाइलम होता है, फाइलम कौन सा होता है, इसका फाइलम होता है कोरडेटा। तो जो पेट्रामाइजोन होती है या लैम्प्री जो होती है, ये फाइलम कोरडेटा के अंदर इसको रखा जाता है। उसके बाद में नंबर दो, इसका जो सब फाइलम होता है, सब फाइलम इसके अंदर वर्टिब्रेटा होता है। सब फाइलम कौन सा होता है, वर्टिब्रेटा। और डिवीजन की अगर बात करते हैं तो डिवीजन इसके अंदर अग्नेथा जो डिवीजन होता है उसके अंदर अपने इसको रख सकते हैं। उसके बाद में क्लास की बात करते हैं तो क्लास इसमें कौन सी आती है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास आती है। अब अपने भी अपने बात करके हैं कि इसका माउथ कैसा होता है, अगर से राउंड शेप का होता है इसलिए क्या है कि ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा में अपने इसको शामिल करते हैं। उसके बाद में देखो ऑर्डर, अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर इसका कौन सा होता है, पेट्रामाइजोनिया इसका ऑर्डर होता है। उसके बाद में फैमिली की बात करते हैं तो इसके अंदर फैमिली पेट्रामाइजोनिडी इसकी फैमिली होती है। और जीनस की बात करते हैं तो पेट्रामाइजोन इसका क्या होता है, जीनस होता है। ओके, तो ये इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फाइलम कोरडेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जीनस की बात करते हैं तो पेट्रामाइजोन इसका क्या होता है, जीनस होता है। इसके अंदर अब नेक्स्ट, इसके अंदर जो सिस्टेमिक ओपोजिशन जो होती है उसके अंदर कुछ जो करेक्टर होते हैं या जो लक्षण होते हैं उनकी बात करते हैं तो इसे सामान्य भाषा में अपने क्या बोलते हैं, लैम्प्री भी कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है इसको, या जनरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर इसको लैम्प्री कहते हैं। और ये जीवित अग्नेथा एनिमल है। अब क्या है, ये लिविंग अग्नेथा एनिमल होता है। अगर अपन बात करते हैं अग्नेथा की तो उसमें मोस्टली जो एनिमल है वो अब नॉन लिविंग के अंदर है, लेकिन लैम्प्रे की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, जीवित अग्नेथा एनिमल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या कहता है कि इसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रीमेटिव टाइप के होते हैं और कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो अपने कह सकते हैं कि मॉडर्न करेक्टर जिसको अपने कह सकते हैं वो, या वेल डेवलप अपने कह सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ जो करेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रीमेटिव टाइप के होते हैं, या अपने कह सकते हैं कि कुछ लक्षण जो होते हैं वो आदिम प्रकार के या पुराने प्रकार के प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो अपने कह सकते हैं कि मॉडर्न करेक्टर के रूप में भी कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं कि डेवलप करेक्टर जो होते हैं वो डेवलप करेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो पेट्रामाइजोन या अपने कह सकते हैं कि जो लैम्प्री होती है उसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट, इसका जो ओरिजिन होता है वो डेवोनियल जो एरा था उसके अंदर, डेवोनियल काल के अंदर
डेवोनियल काल के अंदर क्या हुआ था, इसका ओरिजिन हुआ है। डेवोनियल काल जो है उससे डेवोनियल काल के अंदर क्या है, इसका ओरिजिन हुआ था या इसका उद्गम हुआ था। इसके बाद में अब इसका जो माउथ होता है, माउथ कैसा होता है, राउंड शेप में होता है। इसका माउथ कैसा होता है, राउंड, यानी कि इसका मुख भाग की बात करते हैं तो मुख कैसा होता है, गोलाकार मुख जो होता है वो गोलाकार मुख या राउंड शेप में मुख प्रेजेंट रहता है। इसीलिए अपने बात की थी कि कौन सी क्लास में इसको रखा जाता है, क्लास है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर अपने इसको शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि इसमें पाया जाने वाला जो लार्वा होता है इसको एमोसीट लार्वा कहते हैं। इसमें जो लार्वा प्रेजेंट रहता है एमोसीट लार्वा कहलाता है। इसके लार्वा को क्या बोलते हैं, एमोसीट लार्वा, इसके लार्वा को अपने कहा जाता है। इससे पहले जो अपने एम्फियोक्सिस की बात करके आए थे तो वहां पे जो लार्वा था उसको अपने क्या बोला था, टेडपोल लार्वा कहा था। यहां पे इसका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा जो इसमें कौन कौन से करेक्टर होते हैं उनके बारे में जब अपने इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। उसके बाद में देखो नेक्स्ट इसके अंदर है कि अब इसका जो एमोसिट लार्वा होता है, एमोसिट लार्वा अगर अपने बात करते हैं कि ओरिजिन या इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो लार्वा होता है उसमें सिफेलोकोडेटा के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में प्रेजेंट रहता है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अपने बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास किस प्रकार का है। अगर नॉर्मल आप पेट्रामाइजोन की स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसका जो बक्कल सीरी जो होता है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट रहता है, या माउथ पार जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लेटरल लाइन के रूप में, यहाँ पे ये नोस्ट्रिल जो होती है जिसको अपने बोलते हैं नासाछिद्र, नासाछिद्र इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में ये जो पार्ट होता है आई वाला पार्ट होता है ये यहाँ पे इसके जो एक्सटर्नल जो गिल स्लाइट होती है वो एक्सटर्नल गिल स्लाइट प्रेजेंट रहती है। ये मायोमियस यानी कि इसकी जो पेशी स्तर है उसका पार्ट होता है मायोमियस के रूप में। उसके बाद में यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसका अपने कह सकते हैं एंटीरियर डोर्सल फिन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ये जो इसका भाग होता है ये इसका पोस्टीरियर डोर्सल फिन के रूप में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में ये जो पार्ट होता है यहाँ पे का जो टेल पार्ट होती है, टेल सन फिन या काउडल फिन जिसको अपने कहते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये अपन देख सकते हैं कि आउटर जो फीचर्स की बात करते हैं वो आउटर फीचर अपने इसके किस प्रकार से होते हैं। अब हैबिट और हैबिटेट की अगर अपने बात करते हैं उससे पहले अपने बात करते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या कहां कहां पर ये जो फिश होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो लगभग संसार भर के अंदर यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो लगभग वर्ल्ड में आपको लगभग सभी जगह पे जो पेट्रामाइजोन होती है वो आपको मिल जाती है। अब उसके बाद में ये अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका, जापान, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये जो देश हैं इनके जो समुद्र होते हैं वहां पर आपको क्या है ये आसानी से मिल जाती है। उसके बाद में हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं तो नंबर एक पॉइंट क्या है कि ये मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर ही आपको ये मिल जाती है। कहां कहां पर प्रेजेंट रहती है अपने बात करते हैं, मेरीन वाटर एंड जो फ्रेश वाटर होता है वाटर में आपको मिल जाती है। यानी कि अपने बात करते हैं अडल्ट जो इसका होता है ना वो अडल्ट आपको कहां पे मिल जाता है, जो मेरीन वाटर यानी कि समुद्र जो होते हैं बड़े बड़े समुद्रों के अंदर इसका जो अडल्ट होता है वो प्रेजेंट रहता है या पाया जाता है। उसके बाद में अब क्या है कि ये ऐसी फिश होती है जो रिप्रोडक्शन करने के लिए समुद्रों से नदियों की तरफ क्या करती है, माइग्रेट करती है। तो अपने कह सकते हैं कि ऐसी फिश होती है जो मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर यानी कि जो लवणीय जल और अलवणीय जल दोनों प्रकार के जो जल होते हैं या वाटर होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में ये फिश तथा स्वस्थ जीवी जो होते हैं उनके अंदर या आपने कह सकते हैं कि मेरीन एनिमल जो होते हैं। अब नंबर दो, ये फिश जो होती है वो एक प्रकार से पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट रहती है। किसके रूप में, पैरासाइट, और कैसा पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट के रूप में। यानी कि अगर पैरासाइट की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडो पैरासाइट और एक होता है एक्सो पैरासाइट। अगर अपन बात करते हैं एक्सो पैरासाइट की तो ये बाह्य परजीवी यानी कि जो बड़ी बड़ी
फिशेज जो होती हैं उन्हें बड़ी बड़ी फिशेज के ऊपर आपको जैसे आपको देखोगे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, जैसे कोई बड़ी फिश है तो इसके ऊपर क्या है ये चिपकी हुई अवस्था में प्रेजेंट रहती है या उसके साथ में अटैच हो जाती है। तो अपने क्या कह सकते हैं पैरासाइटिया। नॉर्मली ये काम जब कब करती है, नॉर्मली ये क्या करती है कि जब माइग्रेशन करती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको जब जाना होता है तो क्या है ये दूसरी अदर जो फिश होती है उनके ऊपर चिपक जाती है। तो अब ये कौन सी फिश पर चिपकती है अपने कह सकते हैं सेम वैसा ही जो मेरीन और मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर वाली जो फिशेज होती हैं उनके ऊपर या आप कह सकते हैं कि जो कछुए होते हैं उनके ऊपर क्या है ये चिपक जाती है पैरासाइट के रूप में और माइग्रेट करने का काम करती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। उसके बाद में ये परभक्षी होती हैं तथा शिकार को पकड़ती हैं और उनको खाती है। आप अपने कह सकते हैं कि ये कैसी होती है परभक्षी, ठीक है, या आपने कह सकते हैं कि दूसरों को खाने वाला जीव के रूप में होती है। अभी क्या करता है कि अपना इसका जो जो भी शिकार होता है उस शिकार को क्या करेगी ये पकड़ती है। पकड़ने के बाद में आपने जैसे इसके पहले डायग्राम में देखा था इसका जो माउथ पार्ट होता है माउथ पार्ट में यहां पे क्या प्रेजेंट रहते हैं इसके ये इस प्रकार के दांत नुमा संरचना जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या करती है कि इस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या करती है ये कोई भी जो जीव होगा उसके साथ में यहां पे है इसके साथ में क्या हो जाती है ये अटैच हो जाएगी या चिपक जाएगी, उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद में क्या है इसको इन दांतों की हेल्प से काटती है और यहां से इसके अंदर जितना भी अपने कह सकते हैं कि स्किन वाला पार्ट या बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट इसके साथ में या प्लस ब्लड वगैरह जो होते हैं उन दोनों को ही क्या करती है एज ए फूड के रूप में ये फिश ले लेती। तो अपने कह सकते हैं कि ये परभक्षी यानी कि दूसरे जीवों को खाने वाली और लैम्प्रे अपने कह सकते हैं कि मांसाहारी प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है ये मांसाहारी प्रवृत्ति की ये फिश होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो ये तेजी से तैर सकती है तथा माउथ के द्वारा आसानी से अन्य जीवों के साथ में भी चिपक सकती है। अब ये कहता है कि ये जो फिश होती है ये काफी तेज गति से क्या कर सकती है स्विमिंग, ये काफी तेज गति से क्या करती है स्विमिंग कर सकती है तैर सकती है। और इसके साथ हमने पहले भी बात की थी कि अदर जो दूसरे फिश होते हैं या जो जीव होते हैं जैसे कछुए की बात की थी उनके ऊपर क्या है ये चिपक भी सकती है यानी कि उनको ही जो स्किन होती है वो अपने माउथ पार्ट की हेल्प से क्या कर लेती है ये होल्ड कर लेती है या उनके साथ में अटैच हो जाती है उनके साथ में जुड़ जाती है और जुड़ने के द्वारा जब दो बड़ी फिश होती है जब वो माइग्रेट करती है या लोकोमोशन करती है तो उनके साथ में इनका भी माइग्रेशन या लोकोमोशन हो जाता है। तो खुद भी क्या है ये तैर सकती है क्योंकि इनके अंदर काउडल फिन की अपने बात की थी काउडल फिन प्रेजेंट रहता है डोर्सल फिन प्रेजेंट रहता है लेटरल फिन इसमें नहीं प्रेजेंट रहता। तो डोर्सल फिन जो होता है वो दो भागों में अपने बांट सकते हैं एक जो इसकी बॉडी की आगे वाला जो भाग होता है वहां पर प्रेजेंट रहता है उसको अपने कह सकते हैं कि एंटीरियर डोर्सल फिन और एक इसका होता है पश्चिम भाग में यानी कि एंटीरियर के थोड़ा पीछे की ओर उसको अपने बोलेंगे पोस्टीरियर लेटरल फिन के रूप में कह सकते हैं। तो इसका जो माउथ होता है ये माउथ एक प्रकार से होल्डर जो होता है होल्डर के रूप में भी या अपने कह सकते हैं कि पकड़ने वाली जो संरचना होती है या सिग्नेचर जो होता है उसके रूप में ये काम करता है। इसके बाद में अब ये क्या करता है कि अपने शिकार को दांतों से रेतता है और उसको क्या कर देता है काट लेता है। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि अब इसके जो दांत होते हैं टीथ जो होते हैं उन दांतों की हेल्प से क्या करेगा, अपने बात की थी कि इसकी जो बक्कल कैविटी है जो माउथ वाला पार्ट है उसकी हेल्प से क्या करेगा ये अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद अपनी पहले अपने डायग्राम में देखा था कि इसके जिस प्रकार माउथ पार्ट में जो दांत प्रेजेंट रहते हैं उन दांतों की हेल्प से क्या करता है ये उसकी जो बॉडी होती है उसको कट करना स्टार्ट करे यानी कि उसको क्या है काटना या रेतना। जैसे अपने माउथ पार्ट जो होता है अपने जो दांत होते हैं दांतों का जैसे अलग एक काम होता है काटना एक का काम होता है पीसना ठीक उसी प्रकार के इसमें उसी प्रकार के दांत प्रेजेंट रहते हैं जो अलग अलग दांत होते हैं उनके द्वारा ये उसको होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद में अब उसका जो माउथ पार्ट होगा उस माउथ पार्ट में जितना भी इसकी दूसरे एनिमल की बॉडी पार्ट आएगा उस बॉडी पार्ट को दांतों की हेल्प से क्या कर लेंगे ये कट कर लेते हैं या काट लेते हैं या कुतरना स्टार्ट कर लेंगे और वहां से जितना भी वो मांस उसके मुंह में आएगा उसको क्या है ये एज ए फूड के रूप में ले लेता है। उसके बाद में समुद्र में रहने वाली जो लैम्प्रे होती है ये एक देने के लिए क्या करती है नदियों की ओर माइग्रेट करती है। तो अब नेक्स्ट हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं तो अपने बात कही थी कि ये मेरीन वाटर जो होता है मेरीन वाटर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो समुद्रों के अंदर या मेरीन वाटर में प्रेजेंट रहने वाली जो लैम्प्रे होती है या पेट्रामाइजोन होती है ये क्या करती है ये यहां से माइग्रेशन करती है किस तरफ जो फ्रेश वाटर होता है
यानी कि फ्रेश वाटर का मीनिंग क्या है, जो नदियां होती है या झरने होते हैं उनकी तरफ क्या करती है ये माइग्रेट करेगी और यहां पे आने के बाद में क्या करती है ये इस फ्रेश वाटर के अंदर ही ये रिप्रोडक्शन का काम करती है। और रिप्रोडक्शन करने के बाद में क्या है, जैसे ही रिप्रोडक्शन कर लेती है तो इसका जो मेल और फीमेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनके जो अंडे होते हैं वो लार्वा से और लार्वा एमोसिट में कन्वर्ट होते हैं और एमोसिट में क्या है एमोसिट लार्वा जो होगा वो यहां से माइग्रेट करेगा और वापस जब तक कहां पर पहुंचेगा समुद्रों में पहुंचेगा वापस क्या हो जाएंगे ये एडल्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो लाइफ साइकिल भी चलता रहता है। उसके बाद में अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन आपने कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। तो अगर अपने बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो कैसा होता है इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट रहता है। कैसा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है। अपने पहले भी अपने बात की थी जब अपनी ऑनलाइन क्लासें हो रही थी अपने कहा था कि निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे कैसा होता है एक्सटर्नल यानी कि बॉडी से बाहर जब होगा उसको अपने क्या बोलेंगे एक्सटर्नल बोल सकते हैं और जब क्या है बॉडी के अंदर होता है तब अपने इसको क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। और नेक्स्ट अपने पहले बात करके आए थे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जो डेवलपमेंट होगा इसके अंदर, अगर अपने बात करते हैं कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट इसमें कैसा होगा भी डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट रूप से होता है। कैसा होता है इनडायरेक्ट यानी कि अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लार्वा स्टेज होती है वो लार्वा स्टेज प्रेजेंट रहती है। इसमें क्या है जो लार्वा स्टेज होगी वो लार्वा स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट रहती है या पाई जाती है। ओके जी, तो ये इसकी क्या है नॉर्मल हैबिट और जो हैबिटेट होती है वो हैबिट और हैबिटेट आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि बाह्य आकार की भी आप इसको कह सकते हो बाह्य आकार की इनकी बाहर से देखने पर आपको क्या है ये किस प्रकार की दिखाई देती है या कैसी दिखती है। तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो अगर अपने पूरी बॉडी की बात करते हैं तो देखो यहां पे क्या प्रेजेंट रहता है इसका बक्कल फ्यूनल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है बक्कल फ्यूनल, जिसे भी कहा था कि इन बक्कल फ्यूनल की हेल्प से ये क्या करती है अटैच होती है किसी के साथ में जुड़ने का काम करती है। उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है इसका कौन सा होता है हैंड पार्ट कहलाता है। उसके बाद में इसके जस्ट बॉडी के ऊपर इसमें नोस्ट्रिल प्रेजेंट रहता है। आगे जो डायग्राम आएगा उस डायग्राम में आपको अलग से मैं नोस्ट्रिल जो होगा वो आपको शो कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है बॉडी के आउटर पार्ट में इसके आई प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में यहाँ पर लेटरल लाइन ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं इस प्रकार से पहले भी आपने देखा था कि 7 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लाइट प्रेजेंट रहते हैं या गिल दरारें जो होती हैं वो प्रेजेंट रहती कितनी 7 जोड़ी यानी कि 7 एक साइड में और 7 लेफ्ट राइट साइड में और 7 ही अपने कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में, तो 7 जोड़ी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में फिर ये वाला जो पार्ट होता है बॉडी का इसको अपने क्या बोलेंगे ट्रंक पार्ट कह सकते हैं। उसके बाद में ट्रंक पार्ट जो है उसके पीछे की ओर यहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट रहता है उसको वो क्या कहलाता है इसका एनस कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक पेपिला प्रेजेंट रहती है उस पेपिलो क्या बोलते हैं यूरिनो जेनिटल पेपिला कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं यूरिनो जेनिटल यानी कि ये ऐसी पेपिला होती है जिसके द्वारा उत्सर्जन और जनन यानी कि एक्सक्रीशन प्लस रिप्रोडक्शन दोनों का ही काम जो होता है वो यूरिनो जेनिटल पेपिला के द्वारा कर लिया जाएगा। उसके बाद में ये जो संरचना होती है यहां पर इस वाले भाग को अपने बोलते हैं इसका बॉडी का टेल पार्ट कहते हैं या पुछिया भाग कहते हैं। अब इसके बाद में इसमें स्विमिंग के लिए क्या प्रेजेंट रहते हैं ये इस प्रकार के जो फिन होते हैं वो फिन प्रेजेंट रहते हैं। अब फिन ये आगे वाला जो फिन होता है उसको अपने बोलते हैं डोर्सल फर्स्ट डोर्सल फिन या आप इसको बोल सकते हैं एंटीरियर डोर्सल फिन भी आप इसको कह सकते हो या इसको अपने सेकंड डोर्सल फिन या इसको अपने बोल सकते हैं प्रोस्टीरियर डोर्सल फिन भी आप इसको कह सकते हो। और ये जो पार्ट होता है वो इसका क्या नाम कहलाता है काउडल फिन के रूप में प्रेजेंट रहता है जिसको अपने क्या बोलेंगे काउडल फिन कह सकते हैं। अब देखो एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर सबसे पहले क्या कहता है कि बॉडी इसकी जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। नंबर एक पॉइंट बॉडी कैसी होती है तो बॉडी इसकी
सिलेंड्रिकल या आपने कह सकते हैं कि बेलनाकार की होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार इसकी बॉडी होती है। नंबर दो पॉइंट इसमें क्या है कि अब ये बेलनाकार जो बॉडी होती है वो एक इल के समान लंबी प्रेजेंट होती है, और ये पेट्रामाइजोन जो होती है इसके साइज की बात करते हैं तो कुछ पेट्रामाइजोन ऐसी होती है जिनकी लेंथ 1 मीटर तक लंबी ये हो सकती है, जैसे पेट्रामाइजोन मेरिनस नाम की एक पेट्रामाइजोन है, पेट्रामाइजोन मेरिनिस, इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लगभग कितनी होती है 1 मीटर तक ये लंबी होती है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार या आपने कह सकते हैं कि इल के समान इनकी बॉडी होती है या इनका शरीर होता है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहता है कि पेट्रामाइजोन की बॉडी का ऊपरी भाग जो होता है वो काले रंग का होता है और निचला जो पार्ट होता है वो लाइट कलर का होता है। बॉडी का ऊपरी जो पार्ट होता है या डोर्सल जो भाग होता है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, और इसका बॉडी का जो वेंट्रल पार्ट होता है या आपने कह सकते हैं कि नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला भाग कैसा होता है, लाइट यानी कि हल्के रंग का होता है। कैसे कलर का होता है, लाइट कलर का, या आपने कह सकते हैं कि हल्के रंग का इसका जो लेटरल पार्ट होता है वो लेटरल पार्ट प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में बॉडी जो होती है उसके अंदर या बॉडी स्किन जो होती है उसके अंदर सल्क होते हैं या प्लेकोइड स्केल जिनको अपने कह सकते हैं, वो सल्क इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं। सल्क क्या रहते हैं, इसकी बॉडी या स्किन जो होती है उस स्किन के ऊपर कोई भी सल्क जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कि इस कुछ एनिमल की बॉडी की जो डोर्सल सरफेस जो होती है वो हल्के ब्राउन कलर की या नीले कलर की भी हो सकती है। अब इसकी जो पूरी बॉडी होती है उस पूरी बॉडी को अपने कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर अपने पूरी बॉडी की बात करते हैं तो पूरी बॉडी को अपने कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसकी बॉडी के जो 3 पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट देखो कौन कौन से हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है वो इसका होता है हेड, जैसा अपने बात की थी ये वाला जो भाग है इस भाग को अपने क्या बोलते हैं, हेड। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट होता है उसको अपने बोलते हैं ट्रंक या धड़ वाला पार्ट कह सकते हैं, और थर्ड जो पार्ट होता है उसका कौन सा होता है, टेल पार्ट। तो पूरी बॉडी को 3 भागों में सिर, धड़ और पुश भाग या हेड, ट्रंक और टेल पार्ट के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जो टेल पार्ट होता है, अब हेड पार्ट और ट्रंक पार्ट जो होता है वो तो अपने कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल होता है या बेलनाकार होता है, और इसका जो टेल पार्ट होता है वो थोड़ा सा अपने कह सकते हैं कि कंप्रेस होता है या अपने कह सकते हैं कि फ्लैट होता है, थोड़ा सा पतला होता है या साइडों से अपने कह सकते हैं कि दबा होता है। पूरी तरह से जिस पर इसका हेड और इसका ट्रंक वाला पार्ट है वैसा ये बेलनाकार या सिलेंड्रिकल नहीं होता है। आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि कैसा होता है, ये थोड़ा सा कंप्रेस होता है या थोड़ा सा दबा हुआ होता है, दबे हुए पार्ट के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर कौन-कौन से पार्ट हैं जिसे अपन बात करते हैं, कि इसका बक्कल फ्यूनल वाला जो पार्ट है, बक्कल फ्यूनल हो गया, इसकी स्किन हो गई, इसकी आई पार्ट हो गए, इसकी बॉडी की अपर्चर पार्ट हो गए, ये सारे जो पार्ट हैं इन पार्ट के बारे में अपने जो आगे वाली क्लास होगी उन आगे वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से एक्सटर्नल इसके कैरेक्टर जो होते हैं वो कैरेक्टर अपने को देखने को मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।